हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और इस बार मैं कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसके जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में, लाइक UPPCS या मैं बात करूँ CPO की या मैं बात करूँ असिस्टेंट कमांडेंट की, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ट्रेड से मैंने उठाया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एंड दैट इज़ व्हाट अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कंट्री इम्प्लॉइज इज़ दैट। ऑप्शन आपके सामने है, import are greater than export, and second option is export are greater than import, and last third option is both import and export are equal, and last one is rising import and falling export. सबसे पहली बात तो ये समझो कि what do you mean by balance of trade? Balance of trade का मतलब ये होता है कि जैसे आपका इंडिया अगर अमेरिका के साथ कोई ट्रेड कर रहा है, तो जब भी वो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है तो साल भर में जो भी वो ट्रेड करेगा उसका जो मॉनेटरी गैप होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको हमेशा चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग हम दो ही चीज़ की करते हैं, सबसे पहले नंबर पर गुड्स एंड सेकेंड नंबर पर सर्विस। जब भी मैं बात करता हूँ गुड्स की, तो गुड्स आर द विजिबल थिंग्स एंड सर्विस आर द इनविजिबल थिंग्स, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उस बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स को लिया जाता है, ठीक है। और इसमें दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है कि जैसे आपने अमेरिका के साथ अगर ट्रेड किया तो वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। जब भी वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपका जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है कम है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं देखूं कि नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं इसी पे, तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लेके है, तो दैट्स वाई इम्पोर्ट आपका ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट आपका क्या होगा, सॉरी, जब भी आपके फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि इंपोर्ट आपका कम होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन दोनों जगह से पूछा जा सकता है। जहाँ पे यह ऑप्शन दिया हुआ कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर वहीं पे एग्जामिनर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में लिख देता है, तो सिंपल सी बात है, तब का आपका इंपोर्ट क्या होगा ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा कम होगा। तो ये क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आता है और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल हम विजिबल आइटम्स को लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, अगर आप उसको स्क्रीन पे आप देखते हैं, तो वो है कि द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज़ डिफाइंड एज। तो वही बात हो गई कि जब भी विजिबल एक्सपोर्ट होगा और विजिबल इंपोर्ट होगा, ठीक है, और उसका जो मॉनेटरी गैप होगा साल भर का, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो उसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसके लिटरेचर को चेंज करके क्वेश्चन को पूछा, तो हमने लिटरेचर चेंज करते हुए आंसर दे दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी सामने आ रहा है, और वो है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट आपका कम है, और अगर अनफेवरेबल होगा तो आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा कम होगा। तो इस पर रेगुलर क्वेश्चन आता है। तो फिर से पूरे टॉपिक को हल्का सा रिवाइज करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नथिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करता है, और जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स और सर्विस का करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल किसको लेते हैं, विजिबल्स को लेते हैं, और ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल। जब भी ये फेवरेबल होगा तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और जब भी ये अनफेवरेबल होगा तब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये हर एग्जाम में आता है। हाँ, जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इट्स वेरी इजी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन विवेक गुरुजी चैनल। ये इकोनॉमिक्स के तीन क्वेश्चन बहुत ही आसान और आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।